नगर निगम का दायित्व बनता है कि महानगर की जनता की जान माल की सुरक्षा का, जिसमें पूरा प्रशासन पूरी तरह फेल हुआ है और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराने व नगर निगम के आला अधिकारियों को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए जागृति सेना द्वारा अध्यक्ष प्रवीण डंग की अध्यक्षता में नगर निगम कमिश्नर घर के बाहर पटाखे फोड़े गए, ताकि उनको उनकी जनता के प्रति बनती अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रवीण डंग ने इस महामारी में मरे लोगों को प्रशासन द्वारा मुआवजे की मांग रखी व जनता से पर्यावरण की परवाह ना करते हुए जनता के हित के लिए अपील करते हुए कहा कि इस दशहरे को महानगर वासी छोटी दीपावली के रूप में पटाखे चलाएं, ताकि मच्छरों का खात्मा हो सके और नगर वासियों को इस महामारी से निजात मिल सके। सारा शहर डेंगू से चिकनगुनिया से रोता है और नगर निगम कमिश्नर चैन से सोता है। अज यही भाव नू लैके नगर निगम कमिश्नर के घर के बाहर असी पटाखे फोड़े आ। कई लोगों ने यह भी सवाल चुकया कि तुसी नगर निगम के बाहर क्यों नहीं फूके, उन्होंने घर के बाहर ही क्यों फूके, क्योंकि यह बीमारी घर घर च पहुँच चुकी हुई है। असी अज पटाके फोड़ के एक जागरूकता लैके आना चाहते समाज के विच कि आने वाले दशहरे नू एक छोटी दिवाली मनान, क्योंकि बिना पटाकों तो मच्छरों का नाश नहीं होंदा। और जिहड़ा पिछले 2-3 सालों जागृति सेना के दबाव हर साल नगर निगम वालों समय के उत्ते फोगिंग करवाई जाती सी, इस साल किन्हां कारणां करके इन्हां ने फोगिंग नहीं करवाई। असी इन्हां नू वार्न किया सी, जिहदा नतीजा यह होया घर घर के विच डेंगू और चिकनगुनिया फैल गया, जिथे लोगों का आर्थिक नुकसान हो रहा, शरीरक नुकसान भी हो रहा। अज असी पटाके फोड़ के इन्हां नू कुंभकर्णी नींद तो जगाने की कोशिश की है। असी एक हफ्ते का इन्हां नू टाइम दिंदे आ, अगर लुधियाने के हर कोने हर गली दे विच फोगिंग ना हुई तो एक हफ्ते बाद जिस तरह स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम कमिश्नर नू अवार्ड मिलिया सी राष्ट्रपति तो, उस तरह असी इन्हां नू अवार्ड देंगे। मुगल सम्राट जिहड़ा सीगा लास्ट बहादुर शाह जफर जी, महल तो बाहर कोई नहीं सुनता सी, असी वो अवार्ड इन्हां नू देण नू मजबूर होवांगे।